हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं अभिषेक भार्गव, भार्गव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करने से पहले वही एक बात कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन है, इसे दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये करना बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है। और इसके सामने एक बेल का आइकन होगा, इसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। करते हैं, देखते हैं सादृश्यता परीक्षण होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसका अर्थ समझ लीजिए कि सादृश्यता का अर्थ होता है समानता। क्या होता है? समानता, अर्थात किन्हीं दो तत्वों का उनमें अंतर्निहित गुणों के आधार पर परस्पर समान होना, ठीक है। इसके अंतर्गत किन्हीं दो शब्दों अक्षरों के संबंधों पर विचार करते हुए दिए गए विकल्पों में से ठीक एक शब्द अक्षर या अंक ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो देखिए, ये परिभाषा से आप उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जो इसके नियम है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये नियम देखिए क्या है। तो देखिए, सादृश्यता का नियम जो है वो नियम है पहला, आधारभूत संबंध। आधारभूत संबंध का मतलब देखिए क्या लिखा है यहां पर, 1:2, समानुपात 3:4। ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है इसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर 1:2 या 2:1 जिस प्रकार का संबंध होगा, यानी कि 1:2 में और 2:1 में जिस प्रकार का संबंध होगा, उसी प्रकार का संबंध 3:4 का और 4:3 का होगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट को नोट डाउन करिएगा कि 1:2 का संबंध जिस प्रकार होगा, उसी प्रकार 3:4 का संबंध होगा या 4:3 का संबंध होगा। ये कहता है पहला नियम, जिसको हम कहते हैं आधारभूत नियम। अब दूसरा नियम कहता है कि विकसित संबंध। अब विकसित संबंध का मतलब देखिए, अगर 1:2 है और समानुपात 3:4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1:3 या 3:1 से संबंध, उसी प्रकार 2:4 या 4:2 से संबंध। ये कहते हैं विकसित संबंध इनको, ठीक है। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, प्रश्नों को इन नियमों के हिसाब से सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर में। देखिए, अविस्मरणीय बिंदु देख लीजिए इसके अंदर में, जो आपको ये पॉइंट को याद रखना है, इन नियमों को और इन चीजों को आपको याद रखना है। देखिए क्या है, शब्दों पर आधारित प्रश्नों में उनके मध्य संबंधों की जांच करने हेतु निम्नलिखित शब्द संबंध सादृश्यता की जानकारी भली भांति याद रखें, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखिएगा, जैसे कि पहला है विपरीतार्थक शब्द, यानी कि जिसको हम कहते हैं विलोम शब्द। तो शब्द संबंध जैसे क्या हो जाएगा, जय का क्या करेंगे हम, पराजय। जीवन का क्या कर देंगे हम, मरण, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के क्या है, विपरीतार्थक शब्द है, ठीक है, आदि। अब समानार्थक शब्द, समानार्थक शब्द का मतलब क्या होता है, समान शब्द। तो जैसे अपराध, अपराध का समान क्या हो जाएगा, पाप भी हो सकता है। अवस्था का समान क्या हो जाएगा, आयु हो सकता है, ठीक है। पर्यायवाची, ये पर्यायवाची और समानार्थक एक ही शब्द होते हैं। जैसे गगन का क्या हो जाएगा, अंबर। धरा का क्या हो जाएगा, धरणी, ठीक है। तो इस प्रकार ये होगा। अब उसके बाद देखते हैं, यहां पर देखिए चौथा में क्या गया, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में संबंध। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में शब्दों का संबंध कैसे होगा, जैसे राजा का क्या हो जाएगा, रानी। नायक का क्या हो जाएगा, नायिका, ठीक है। तो ये संबंध दर्शा रहे हैं। उसके बाद में और देख लीजिए, तो देश और महाद्वीप का संबंध। तो देखिए क्या हो जाएगा संबंध में, भारत क्या है, एशिया में। एशिया में क्या है, भारत है। उसी प्रकार खाना कहाँ है, तो अफ्रीका में है, ठीक है। तो ये देश और महाद्वीप में क्या हो जाएगा, संबंध। उसी प्रकार देश और राजनीति में संबंध, तो कैसे होगा, चीन का क्या हो जाएगा, बीजिंग, ठीक है। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है, और भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है, ठीक है। उसी प्रकार क्या होगा, देश और राष्ट्रीय मुद्रा संबंध। तो क्या होगा, जैसे जापान है तो उसकी जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो क्या है, येन है। चीन है तो उसकी राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, युआन है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो रुपए है। तो ये जो चीजें हैं स्मरणीय बिंदु, तो इनमें सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए, याद होना चाहिए। और सबसे ज्यादा क्या है कि आपको जितने चीजें याद होंगी उसी पे आधारित होंगे सारे प्रश्न, ठीक है। उसी प्रकार आप बना पाएंगे कि आपको इनके ये सारी चीजें याद है कि नहीं याद है। तो थोड़ा इनके ऊपर में फोकस करिएगा, विपरीतार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, इनके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में देश और महाद्वीप और राष्ट्रीय मुद्रा, ये वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको कम से कम 10 से 15 राष्ट्रीय मुद्रा याद होना चाहिए देशों की, ठीक है। उसी प्रकार राजधानी आपको सारी याद होना चाहिए क्योंकि राजधानी से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। तो चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। देखिए अब उदाहरण के तौर पर यहां पर मैं आपको बताता हूं। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है भोपाल का संबंध है मध्य प्रदेश से, तो भुवनेश्वर का संबंध कौन से राज्य से है, ठीक है। तो देखिए भोपाल क्या है, भोपाल क्या है, मध्य प्रदेश की क्या है, राजधानी है, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। तो उसी प्रकार भुवनेश्वर जो है वो किसकी राजधानी है, अब यही संबंध होगा। जैसे कि यहां पर पहला वाला आ रहा है, 1:2 से है, तो 3:4 किस प्रकार निकालेंगे, तो भुवनेश्वर जो है वो किसकी राजधानी है, तो भुवनेश्वर है उड़ीसा की राजधानी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। इसीलिए मैंने बोला कि आपको पहले तो सारी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो सारी राजधानी और देशों की मुद्राएं, ये सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, तभी आप इसको क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे में, देखिए दूसरे में क्या आ गया, संख्यात्मक आ गया। अब जैसे 6 का रिलेशन दिखा रहा है यहां पर 13 के साथ में, तो 11 का रिलेशन क्या होगा इन ऑप्शनों में से। तो देखिए यहां पर जो लिखा हुआ है ये है 6:2
प्लस वन, क्या है 6 × 12 प्लस 1 13, तो अब इसको भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 11 × 2 + 1, ठीक है, तो 11 × 2 = 22 और 1 = 23, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये वाला हो जाएगा। तो आप इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए यहां पर है अल्फाबेट, ठीक है, तो अल्फाबेट में आप कैसे निकाल पाएंगे, देखिए आर का संबंध किससे है, क्यू से है, ए का संबंध किससे है, वाई से है, जी का संबंध किससे है, डी से है, और एस का संबंध किससे है, ओ से है। तो आपको यहां पर अल्फाबेट पूरे याद होने चाहिए, देखिए अल्फाबेट से ही आप निकाल पाएंगे, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए मैं इसलिए आपको यहां पर लिखकर बता रहा हूं ताकि आप लोग समझ सके इस चीजों को। ठीक है, देखिए आर का संबंध किससे है, क्यू से है, आर कहां है, ये है आर, अब यहां पर क्या है, क्यू है, यानी कि यहां पर क्या है, माइनस वन। ठीक है, अब एक चीज और देख लेते हैं, ए का संबंध किससे है, वाई से है, तो ए यहां पर है और वाई कहां है, यहां पर है, इसका मतलब क्या हो गया, ये माइनस टू। ठीक है, अब इसी प्रकार आप इसको निकाल सकते हैं, जैसे अगर यहां माइनस वन माइनस टू मिल गया तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस थ्री, और यहां क्या हो जाएगा, माइनस फोर। देख लीजिए, देखिए जी का संबंध किससे है, डी से है, तो देखिए यहां है जी और यहां है डी, 1 2 3, तो माइनस थ्री हो गया। उसी प्रकार क्या है, एस का संबंध किससे, ओ से है, ठीक है, तो एस कहां है, देखिए एस ये है, अब 1 2 3 और 4, तो माइनस क्या हो गया, 4। तो उसी प्रकार इसका निकालना है, डी आर ई जी का, तो डी में क्या हो जाएगा, माइनस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी, तो यहां पर देखिए सी किसमें किसमें है, ए में है और सी में है, तो यहां पर दो ऑप्शन अपना ऐसी निकल कर आ गया, एलिमिनेट हो गया, और ये दोनों ऑप्शन बचा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी। अब आर से क्या करना है, माइनस टू, तो आर से आप माइनस टू करेंगे तो क्या जाएगा, पी, तो यहां पर आ जाएगा सी पी, तो देखिए सी पी वाला ऑप्शन कौन सा है, ये पहला, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी पी बी सी। ठीक है, ठीक, तो आप इस प्रकार इसको निकाल सकते हैं, यहां पर इस प्रकार ये बनेगा। अब देखते हैं चौथा वाला में क्या दिया हुआ है, देखिए देश का जो संबंध राष्ट्रपति से है, तो राज्य का वही संबंध किससे है, देश का संबंध पूछ रहा है, तो देश का संबंध जो राष्ट्रपति से है, तो राज्य का संबंध वही किससे होगा, तो राज्य का संबंध किससे होगा, राज्यपाल से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल। ठीक, अब देखते हैं सादृश्य प्रश्न में, और प्रश्न करके देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जिस प्रकार चेहरे का संबंध अभिव्यक्ति से है, यानी चेहरा क्या बताता है, अभिव्यक्ति बताता है, उसी प्रकार हाथ का संबंध किससे होगा। ठीक है, चेहरा हमारा क्या बताता है, अभिव्यक्ति, तो हाथ क्या करता है, हाथ हिलाना, हाथ मिलाना, कार्य या इशारा, तो हाथ का संबंध किससे हो जाएगा, कार्य से। ठीक है, क्या हो जाएगा, कार्य। देखिए इसमें बहुत गलतियां करते हैं बच्चे, यानी बहुत गलतियां करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, लगता जरूर है कि ये बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं, जल्दबाजी, हड़बड़ी। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करिएगा, इसके सारे प्रश्न बहुत अच्छे से करिएगा। ठीक है, ताकि आपका 2 नंबर कहीं नहीं जाए। ठीक, अब देखते हैं जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध है उत्पादन से, उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे, फैक्ट्री किस लिए होता है, उत्पादन करने के लिए, वस्तुओं का उत्पादन करते हैं फैक्ट्री के अंदर में। ठीक है, तो स्कूल में किस चीज का हम करते हैं, तो स्कूल में हम क्या करते हैं, शिक्षा। ठीक है, स्कूल में क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं। ठीक है, तो ये सही होगा हमारा आंसर, स्कूल में क्या देते हैं, शिक्षा। इलाहाबाद वाराणसी पटना, अब ये क्या है, तो देखिए ये ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब पूछ रहा है ये देश की राजधानियां हैं, नहीं है, ये वृहद बिहार का हिस्सा है, नहीं है, ये इनकी धार्मिक पृष्ठभूमि है, तो है, इनकी धार्मिक पृष्ठभूमि जरूर है, और ये गंगा नदी के तट पर स्थित है, ये इसका सटीक आंसर है, क्योंकि ये हर जगह लिया गया है। ठीक है, इस गंगा नदी के तट पर स्थित है, ये सभी शहर क्या है, गंगा नदी के तट पर स्थित है, इलाहाबाद वाराणसी और पटना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, प्रेस टेलीविजन सिनेमा। देखिए अब सबसे पहली बात है प्रेस टेलीविजन और सिनेमा, इनको समझने की जरूरत है, उसके बाद आप यहां से इसका ऑप्शन समझ जाएंगे। देखिए ये मनोरंजन के साधन है, ठीक है, हो सकते हैं मनोरंजन के साधन, क्योंकि टेलीविजन से मनोरंजन लेते हैं, सिनेमा से मनोरंजन लेते हैं, प्रेस से उतना मनोरंजन वाला साधन, तो ये हमारा एक तरीके से नहीं बना, ये जनसंचार के साधन है, तो ये भी हो सकता है जनसंचार के साधन है, ये विश्व प्रसिद्ध है, ये भी हो सकता है, सभी सार्वजनिक उपक्रम है, ये नहीं हो सकता। देखिए इसका सटीक आंसर क्या है, ये जनसंचार के साधन है, तो ये हमारा जो हो जाएगा, इसका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जनसंचार के साधन है, सभी जनसंचार के क्या है, साधन है। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा, पटना लखनऊ और शिमला। ठीक है, देखिए पटना लखनऊ और शिमला, तो देखिए अब इसके अंदर में ऑप्शन आपको क्या करना है, देखना है कि इसके अंदर में ऑप्शन क्या हो सकता है सही। तो देखिए पटना लखनऊ और शिमला, ये तीनों क्या चीज दिख रहे हैं आपको, देखिए पटना क्या है, बिहार की राजधानी, लखनऊ यूपी की राजधानी, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, तो आपको इसलिए मैंने बोला था सारी राजधानियां याद होनी चाहिए, तब इसके अंदर में क्या जाएगा, जयपुर किसकी राजधानी है, राजस्थान की, तो क्या जाएगा यहां पर आंसर, राजस्थान। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर।
ठीक है, क्योंकि जयपुर किसकी राजधानी है, राजस्थान की। ठीक, अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन, महल झोपड़ी, तो हाथी ये वाला ये आ गया 1:2 वाला, और समानुपात क्या हो जाएगा 3:4, तो 3 का 4 से कुछ ना कुछ संबंध होना चाहिए क्योंकि 1 का 2 से संबंध है। तो महल क्या होता है, बड़ा होता है, झोपड़ी क्या होता है, छोटा होता है, उसी प्रकार हाथी क्या है, बड़ा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, गाय कार चूहा बस, तो क्या जाएगा, चूहा। ठीक है, रुपया भारत यानी कि आ गया मुद्रा वाला, तो भारत की जो मुद्रा है वो क्या है, रुपया है। तो येन किसकी है, तो येन अभी मैंने आप लोगों को बताया था कुछ देर पहले, जापान की है। ठीक है, इसलिए मुद्रा का पूरा ज्ञान होना चाहिए क्योंकि मुद्रा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तकरीबन आपको 15 से 20 देश की मुद्रा याद होनी चाहिए। ठीक है, खिड़की का संबंध पर्दा से, अब देखिए ये क्या है 1:2, अब यहां पर हमको ये पूरा का पूरा पार्ट निकालना है कि इसमें तीसरा और चौथे में क्या संबंध होगा। तो खिड़की कहां लगाया जाता है, पर्दा यानी खिड़की के ऊपर में क्या लगाया जाता है, पर्दा। ठीक है, खिड़की के ऊपर में क्या लगाया जाता है, पर्दा। ठीक, तो यहां पर क्या लगाया जाएगा, किसके ऊपर, दरवाजा चौखट, तो दरवाजा को चौखट के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, तो देखिए खिड़की के ऊपर में हम लगाते हैं पर्दा, चौखट के ऊपर में हम लगाते हैं दरवाजा। ठीक, पुस्तक जैकेट या सीपीयू कैबिनेट या अवतरण तार, तो देखिए सीपीयू के ऊपर में हम लगाते हैं या कैबिनेट के अंदर में लगाते हैं हम सीपीयू। ठीक है, किसके अंदर लगाते हैं, कैबिनेट के अंदर में लगाते हैं हम सीपीयू, तो हमारे ये वाला आंसर जो है सही होगा। ठीक है, इसमें ये वाला ऑप्शन भी मेरे को लग रहा है सही हो सकता है कि दरवाजा और चौखट वाला, तो इसका आंसर एक काम करिएगा आप लोग दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आइए नौवां क्वेश्चन के अंदर में, तो नौवां क्वेश्चन में है जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल बहादुर शास्त्री। अब इन तीनों चीजों को देखकर आपको क्या लग रहा है कि ये क्या है, देश के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब यहां पर भी देखना है हमको देश के प्रधानमंत्री, तो लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, नरेंद्र मोदी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो यहां पर क्या ऑप्शन सही होगा। देखिए ये भूतपूर्व क्या है, सब क्या है, प्रधानमंत्री, तो हमको क्या करना है यहां पर, भूतपूर्व प्रधानमंत्री निकालना है, तो कौन था भूतपूर्व प्रधानमंत्री, तो पीवी नरसिम्हा राव, तो ये हमारा जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग को अपना कॉन्सेंट्रेट करिएगा यहां पर और तब आप आंसर दीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे आंसर नरेंद्र मोदी को लगा देंगे क्योंकि वो भी अभी लेटेस्ट प्रधानमंत्री है, इसलिए तो ठीक है दिमाग थोड़ा लगाइएगा कि भूतपूर्व क्या थे, ये प्रधानमंत्री थे, तो इसलिए भूतपूर्व प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हा राव इसके अंदर में आंसर आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन और प्रश्न। ठीक, आज के वीडियो में देखिए ये जो है ये सारा कुछ आज के वीडियो का है। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही है, और इसके जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे आप कोई सी भी बुक से, सादृश्यता यानी रीजनिंग की कोई सी भी बुक लीजिएगा, वहां सारे के सारे क्वेश्चन आप इस सीक्वेंस से, जिस सीक्वेंस से मैंने बताया है आपको, ठीक है, उस सीक्वेंस से सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पॉइंट, ठीक है, ये सारे के पॉइंट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक, तो आप बहुत आसानी से सादृश्यता के सारे प्रश्न कर लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही था, जय हिंद जय भारत।